इनको अगर लेकर जाओ साथ में। कांस्टेबल गुलजार हुसैन कांस्टेबल वेद कांस्टेबल अरशद महमूद कांस्टेबल कांस्टेबल
कतरा जमीन पर गिराया है। मोहम्मद यूसुफ सलक्षण हजार कांस्टेबल बाबू साहेब कांस्टेबल अशोक कुमार कांस्टेबल मोहम्मद असलम कांस्टेबल मोहम्मद असलम याद रहे कि 1959 में थर्ड बटालियन सीआरपीएफ जो कि हॉट स्प्रिंग्स पे इंडो चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉयड थी तो आज ही के दिन 21 अक्टूबर को 10 जवान अपने मुल्क का दिफा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया था उन्होंने और उनकी याद में आज तक ये दिन जो है पुलिस कमेमोरेशन डे के तौर से या नेशनल पुलिस डे के तौर से मनाया जाता है। आज का दिन हम उन तमाम शहीदों को याद करते हैं उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं कि जिन्होंने अपनी जान हम सब की सिक्योरिटी के लिए हमारे जान माल और इज्जत की रक्षा के लिए जो है निछावर की होती है। आज का एक दिन है जब हम उनको याद करते हैं और उनकी कुर्बानियों का जो है वो अपने सामने रखते हैं और बाकी एक जज्बा जो है अपनी फोर्स में ज़िंदा रखते हैं कि हम अपने मुल्क में जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको बखूबी निभाएं और इन्हीं कुर्बानियों की वजह से आप जो हमारी पब्लिक है आवाम है अमन और सुकून की चैन से सो सकती है अपने कारोबार अपनी बाकी अमली जो ज़िंदगी है उसकी बाकी एक्टिविटीज़ निभा सकती है। तो मैं आज इस साल जो हमारे 189 ऑफिसर्स और जवान जो हमारी डिफरेंट फोर्सेस के हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है अपनी ड्यूटी के दौरान
और उनका नाम मैं अल्फाबेटिक तरीके से स्टेट वाइज पढ़ूंगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश पीसी पवन कुमार, अरुणाचल प्रदेश कांस्टेबल चिंगरी मामाई, कांस्टेबल नियाम बोसाई, असम हेड कांस्टेबल दिरीन देमराई, हवालदार नीलाकंत गोगाई, बिहार सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास, सब इंस्पेक्टर नंद किशोर, एएसआई सतीश कुमार, एएसआई भुवनेश्वर सिंह, कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल विक्रांत भारती, कांस्टेबल वाल्मीकि कुमार, कांस्टेबल रवीश भारती। छत्तीसगढ़ एएसआई रामूराम नाग, असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय ललित कुमार, कांस्टेबल दुर्गोई, कांस्टेबल योगा क्वासी, कांस्टेबल हरिराम, असिस्टेंट जे चौहान, कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश, सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, एएसआई विनोद भागवत, कांस्टेबल कमलजीत, कांस्टेबल अभिषेक सिंह झारखंड, सब इंस्पेक्टर अमित कुमार। जी, इसके बारे में ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1959 में जो इंडो चाइनीज़ बॉर्डर पे हमारे सीआरपीएफ थर्ड बटालियन के 10 जवान शहीद हुए थे, जो अपनी मतलब सीमा को अपनी लाइन को डिफेंड कर रहे थे, हॉट स्प्रिंग्स की जगह पे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनकी याद में ये दिन जो है पुलिस कमेमोरेशन डे के तौर से मनाया जाता है और अब इसको नेशनल पुलिस डे के तौर पे भी पूरी कंट्री में आज के दिन मनाया जाता है। इसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी में जितनी भी फोर्सेस तैनात होती हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ से, उन सब के जवान जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनकी याद में आज का दिन मनाया जाता है। उनकी कुर्बानियों को आज हम सल्यूट करते हैं और याद करते हैं और अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा जो है वो दोबारा से भरते हैं अपने जवानों में, ताकि हम अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से निभा पाएँ और आवाम की जान माल और इज्जत की रक्षा कर सकें। आज का दिन हम आरटीएस फैमिलीज़ को भी यहाँ पे बुलाते हैं और उनके साथ भी एक इंटरेक्शन करते हैं और उनको अपनी तरफ से उनकी कुर्बानियों की जो है वो एक्नॉलेजमेंट करते हैं, उनको याद करते हैं और उनको ये बताते हैं कि पूरा डिपार्टमेंट जो है वो उनके साथ है और एक टोकन गिफ्ट भी उनके साथ देते हैं। और जो मौजूदा लोग हैं जो इस जंग में जो इंटरनल सिक्योरिटी कन्फ्लिक्ट हैं उसमें हमारे साथ हैं, उनको भी बुलाते हैं ताकि हम उनको बता सकें कि पुलिस और बाकी फोर्सेज क्या काम कर रही हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।